दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इंडिया में बढ़ता जा रहा है। तो आपको गाइस मैं बता दूं कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान के जो बॉडीगार्ड हैं सेरा, सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले बॉडीगार्ड हैं, 1 करोड़ महीना का लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर बॉडीगार्ड है या सिक्योरिटी है वो सलमान खान की है। और उसके बाद शाहरुख खान का नाम आता है। शाहरुख खान के पास भी एक वैसा बॉडीगार्ड है जो उनके साथ साथ कदम मिला के चलता है और चील जैसी उसकी नज़र है। तो ये सब देखते हुए अब जिस तरह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पूरा इंडिया में बढ़ गया है, उसी को देखते हुए बॉलीवुड के सारे एक्टर ने अपने सिक्योरिटी टाइट कर ली है। सलमान खान के पास सेरा है, वहीं शाहरुख खान के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। और उसके बाद ये न्यूज देखते देखते कपिल शर्मा ने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली है और उन्होंने सलमान खान से भी ज़्यादा सिक्योरिटी कर ली है। हाल में ही कपिल शर्मा विदेश टूर पर गए हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी में देखा गया। कोई उनके पास एक ऑटोग्राफ भी लेने के लिए नहीं पहुँच सकता, इतना सिक्योरिटी के साथ गए हैं। और उन्हीं के साथ साथ पंजाबी एक और सिंगर मीका सिंह ने भी सिक्योरिटी इससे पहले नहीं रखी थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। ये सब देखने के बाद मामला, आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के बाद सलमान खान, उसके अलावा करण जौहर जैसे बड़े बड़े शख्सियत को वार्निंग दे चुका है मारने का। और कुछ दिन पहले तो सलमान खान के घर पर लेटर भी भिजवा चुका है सलमान खान और उनके फादर सलीम खान को मारने का। तो गाइस यही सब देखते हुए कपिल शर्मा ने और मीका सिंह ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। और बहुत ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सिक्योरिटी टाइट कर ली है अपनी। तो इतना डर देख के आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा बॉलीवुड के इतना बड़े बड़े स्टार इतना पैसा रहते हुए भी एक मामूली से गुंडे के से डर रहे हैं और वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वहाँ से ये सब करा रहा है। तो गाइस जैसे ही आपको और मजेदार जानकारी मैं देता रहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए ओके, टेक केयर।